हेलो वन, वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं फ्राइडे के दिन पार्टी ही करने जा रहा हूँ। और पार्टी करने जब जाएंगे तो पार्टी जैसा तैयार भी तो होना चाहिए। और तैयारी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू सिलेक्ट द राइट वॉच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्टर वॉच, जो एक परफेक्ट पार्टी एक्सेसरी है। ये वॉच बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल है। जानेंगे इसका सारे फीचर, कहां से लिया, क्या प्राइस में लिया और मेरा ओवरऑल टेक क्या है इस वॉच के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ट्रेलर। डिजाइन लैंग्वेज में एक कंटिन्यूटी डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। इन केस ऑफ फोर्स शाइनिंग इट इज रिलेटिवली इजियर, इसके थ्रू आप इसके मूवमेंट को देख पाओ। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर इन एनी सोशल गैदरिंग। और ट्रेलर के बाद हम लोग ऑफ कोर्स वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पे कॉन्स्टेंटली ऑन अ रेगुलर बेसिस हर एक बजट पॉइंट के वॉच कलेक्टर के लिए वीडियो बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है, आप तक ट्रांसपेरेंटली विदाउट एनी गेटकीपिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू वॉच एंड मोर इंडिया चैनल, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई रियली डू नॉट वांट दैट। Consider subscribing to this channel. Bell icon को भी आप क्लिक करके रखिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा इस चैनल पे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस वीडियो का तुरंत मजा उठा सकते हो। तो चलिए लेट्स एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, वॉच खरीदना ही इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वॉच का टेक केयर करना, उसको मेंटेन करना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर ऑटोमेटिक और मैकेनिकल वॉचेस है, कब इसका सर्विसिंग करानी है, डिटेल में अगर आपको जानना है, वॉच गैन हिंदी चैनल विजिट कीजिए। पंकज जी ने इसी वीक एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो रिलीज किए हैं। डेफिनेटली आई रेकमेंड दैट यू शुड वॉच दैट वीडियो। और वॉच कैसे आप कैरी करेंगे वाइल ट्रैवलिंग, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैं पास ऑन करता रहता हूँ। मैं यूजुअली ऐसे पाउचेस में वॉच कैरी करता हूँ, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में कैसे करता हूँ उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चैनल पर बना है। मैं लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप डेफिनेटली टाइम निकाल के वो वीडियो देख लेना। देखिए, वॉच को अगर आप ऐसे सिक्योर पाउच में रखेंगे ना, ट्रैवलिंग करते टाइम किसी भी तरह का स्क्रैचेस इस पे नहीं आते हैं। और ये सब पाउचेस मिल जाते हैं सिर्फ 70 रुपए में। सारे डिटेल्स आपको लिंक में दे दे रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। तो वॉच पे फोकस करेंगे हम लोग। ये है वॉच दोस्तों, फोर्स शाइनिंग बोल के एक ब्रांड है, ऑफ कोर्स चाइनीज ब्रांड। फ्लिपकार्ट से मैंने ये वॉच खरीदा था। इसका लुक देख के मुझे लगा था कि आई मस्ट एक्सपेरिमेंट दिस फॉर द व्यूअर्स ऑफ वॉच एंड मोर इंडिया चैनल। तो मैंने ऑर्डर कर लिया और आपके साथ मैं आज मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वॉच सबके लिए नहीं है। दिस इज अ परफेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर फॉर एनी पार्टी इवनिंग। पार्टी में एक जैजी एक्सेसरीज लोग यूजुअली पहनना प्रेफर करते हैं, तो इस पे मेरे ख्याल से वो एलिमेंट भर भर के दिया गया है। आप एक बार इस वॉच का ओवरऑल लुक देख लीजिए। ये एक डिजाइनर टाइप का वॉच है, सेम डिजाइन पैटर्न जो है इसका ब्रेसलेट में, इसका केस में, हर जगह पे कैरी होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो एक कंटिन्यूएशन डेफिनेटली है। ऐसा नहीं लगने वाला है कि केस को कहीं अलग से सोर्स किया गया, ब्रेसलेट को कहीं और से सोर्स किया गया। यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज में एक कंटिन्यूटी डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। इस वॉच का सारे डिटेल्स हम लोग डेफिनेटली आगे चल के जानने वाले हैं, पर पहले हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। मेरा 7 इंचेस प्लस रिस्ट के हिसाब से इसका ब्रेसलेट मैंने एडजस्ट कर रखा है विदाउट दोज 4 और 5 लिंक्स। ये वॉच का वेट कुछ 126 ग्राम है। केस डायमीटर इज 42.6 मिलीमीटर, परफेक्टली वेयरेबल विद क्राउन 44.8 मिलीमीटर। लग टू लग डिस्टेंस इज अबाउट 50.6 मिलीमीटर, और इस वॉच में 20 मिलीमीटर लग साइज यूज किया गया है। केस थिकनेस इज अबाउट 14.8 मिलीमीटर। वी आर टेकिंग अ क्लोजर लुक एट द डायल। डायल इज स्केलेटल टाइप, इसके थ्रू आप इसके पूरे मूवमेंट को देख सकते हो, विच लुक्स अमेजिंग। डायल को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, इनफैक्ट मूवमेंट को भी अच्छे से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ये जो गोल्डन कलर का ऑर्नामेंटेशन दिया गया है, दैट एनहांसेस द लुक। सेकंड के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड सब डायल दिया गया है, और मेन जो आवर एंड मिनट हैंड है, ये मेटेलिक ब्लू कलर का शाइनी हैंड है। इस पे लुमिनोसिटी का इस्तेमाल किया गया है, सेकेंड हैंड में भी लुमिनोसिटी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ब्लू कलर का सब डायल 12 o'clock पोजीशन पे आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू टेल यू द टाइम ऑफ द डे, विच इज डे और नाइट। तो अभी जैसे सुबह के 10:30 बज रहा है, तो सन इज ऑन द टॉप, इट इज गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज डे। एंड जब रात के 10:30 बजेंगे तो ये
जो मून है ये ऊपर आ जाएंगे एंड इट इज गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज 10:30 बट इट इज एक्चुअली नाइट. सो बेसिकली 24 आवर फॉर्मेट का जो फंक्शनैलिटी है सेम फंक्शनैलिटी इस पे दिया गया है एंड एज बिकॉज दिस इज अ फुल्ली स्केलेटनाइज्ड वर्जन तो इस पे इसके मूवमेंट को जहां तक पॉसिबल है अच्छे से ऑर्नामेंटेशन किया गया है. इनर बेजल भी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटीफुल पैटर्न ऑर्नामेंटेशन दिया गया है. इसका जो ये बेजल है ये मूविंग है पर ये मूविंग बेजल देने का कोई रीजन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. दिस मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में ये मूव नहीं होगा. देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्ले देयर बट दिस इज नॉट अ डाइवर्स वॉच सो मूविंग बेजल वॉज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूज फॉर एनी पर्पज बट येस ऑफकोर्स अगर आपको टाइम पास करना है आपके वॉच के साथ खेलना है डेफिनेटली यू कैन डू. इस वॉच का केस जो है ये अलॉय केस है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, स्टील अलॉय का है और इस पे साइड में आपको ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है और दोनों साइड में आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है. क्राउन में कोई साइन आपको देखने को नहीं मिलता है और जो डिजाइन बेजल में यूज किया गया है और केस के साइड में यूज किया गया है दीज आर सिमिलर. और केस का जो ये टॉप पार्ट है यहाँ पे भी आपको डिजाइन पैटर्न देखने को मिल जाता है और सेम डिजाइन लैंग्वेज फ्लो होता है ब्रेसलेट में भी. यहाँ पे क्राउन आता है क्राउन प्रोटेक्शन के साथ और क्राउन में रीजनेबल ग्रिप है तो इसको मैनुअली वाइंड करना इज नॉट ए प्रॉब्लम. बाय द वे दिस इज एन ऑटोमेटिक वॉच विथ मैनुअल वाइंडिंग एबिलिटी और इस पे हैकिंग फीचर्स नहीं आता है, सिर्फ एक ही पुल आउट पोजिशन है इस क्राउन का. इफ आई पुल आउट द क्राउन यू कैन सी द सेकेंड हैंड इज स्टिल मूविंग और इसको एक ही पुल आउट पोजिशन में आप यूज कर सकते हो एंड दैट इज यूज फॉर टाइम एडजस्टमेंट. आप देख सकते हो इसको मैं टाइम एडजस्टमेंट के लिए यूज कर सकता. इस वॉच का जो ब्रेसलेट है ब्रेसलेट इज कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट एंड द गुड पार्ट इज दिस कम्स विद दिस बटरफ्लाई क्लास्प विद पुश बटन. दिस इज वेरी नाइस फीचर. आई थिंक दिस टाइप ऑफ बटरफ्लाई क्लास्प इज रियली एक्सपेंसिव. यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ता है जहां पे ये ज्वाइन होता है. जब आप हाथ में लेके ऐसे ट्राई कर रहे हो तभी ये विजिबल होंगे बट वेन यू वेयर इट यू आर नॉट गोइंग टू फील इट. द फंक्शनैलिटी ऑफ द बटरफ्लाई क्लास्प इज वेरी वेरी स्मूथ. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजिली लॉक होता है सिक्योरली एंड देन इसको ओपन करने के लिए यू जस्ट नीड टू पुश द पुशर्स फ्रॉम बोथ द साइड विच इज अ ग्रेट फीचर. दिस इज ऑल सॉलिड लिंक ब्रेसलेट और काफी हैवी क्वालिटी का है एंड इसका जो लक कवर है दैट इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली वॉन्ट टू शो यू. टेक अ लुक एट द लक कवर. दिस इज नॉट जस्ट अ स्टील प्लेट, दिस इज अ सॉलिड लक कवर विच हैज बीन गिवन विच इज रियली रियली प्रीमियम. इस वॉच का केस पैक स्टेनलेस स्टील का है और ये स्क्रू डाउन टाइप है. इस पे एक मिनरल क्रिस्टल का विंडो भी छोड़ा गया है सो दैट इसके थ्रू आप इसके मूवमेंट को देख पाओ. इस पे आप रोटर को देख सकते हो. रोटर का मूवमेंट जो है ये रीजनेबली स्मूथ है इस प्राइस रेंज में जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए. मूवमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है तो आई एम गेसिंग दिस मस्ट बी द PTS चाइनीज मूवमेंट जिसका सर्विस लाइफ तो रीजनेबल है. आई एम नॉट टू वरीड अबाउट इट. यहाँ पे आसानी से सर्विसिंग हो जाना चाहिए. वैसे पार्ट्स वगैरह आप अगर खरीदने जाओ तो डोनर वॉच भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं. इस वॉच का काफी सारे कलर वेरिएंट आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या लेना है. मैंने ये ऑल सिल्वर वेरिएंट लिया है तो इस पे सिर्फ ये जो गोल्डन कलर का ऑर्नामेंटेशन आपको दिख रहा है बैलेंस व्हील के पास इसको छोड़ के मोस्टली बाकी सारे पार्ट्स जो है ये सिल्वर कलर पे ही है इंक्लूडिंग द बेजल इंक्लूडिंग द केस इंक्लूडिंग द ब्रेसलेट एंड एवरीथिंग. आप अगर चाहो तो इस पे गोल्डन ऑप्शन भी है, ऑल गोल्डन ऑप्शन है या फिर सिर्फ बेजल गोल्डन हो ऐसा ऑप्शन भी है या फिर ब्रेसलेट में सिल्वर एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन ये सारे ऑप्शन है. तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई द सिल्वर वर्जन टू बिगिन विद कैसा रहेगा एंड देन उसके बाद मैं आप सबको रिकमेंड कर सकता हूं. तो आई थिंक द ऑल सिल्वर वर्जन इज रीजनेबल इनफ एज अ पार्टी एक्सेसरी एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू ग्रैब लॉट ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग पार्टी और एनी सोशल गैदरिंग विच यू विल बी अटेंडिंग वेयरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीस. लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वॉच. मैंने मेरा DWC Vio 2.0 का लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताया था आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द रिफ्लेक्शन हैंडलिंग क्योंकि ये देखिए रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसा हैंडल करता है. सिमिलर रिफ्लेक्शन आप ये वाला फोर शाइनिंग वाला केस में आप देखो यहां पे आई थिंक द वॉच इज डूइंग रीजनेबली वेल. आप देख सकते हो अब एक ब्लूइश ग्लो इसका क्रिस्टल में आप देख सकते हो. दैट इज द एंटी ग्लेयर कोटिंग विच इज एक्चुअली हेल्पिंग यू कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सन रिफ्लेक्शन आप फिर भी टाइम देख सकते हो विच इज मिसिंग इन DWC वायु. आप देख सकते हो जब स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आता है आप एकदम टाइम देख ही नहीं सकते. वेर एज इन केस ऑफ फोर शाइनिंग इट इज रिलेटिवली इजियर टू चेक द टाइम. तो डेफिनेटली एंटी ग्लेयर कोटिंग जो है
आई एम इम्प्रेस्ड. एंड और एक चीज है, इसका जो ग्लो है, लुमिनस ग्लो है, दैट इज ऑल्सो रीजनेबल. स्क्रीन में राइट साइड में आपको दिख रहा है जो लूम शॉट मैंने निकाला था आज मॉर्निंग आफ्टर गिविंग दिस वॉच अबाउट 1 मिनट डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, एंड आई एम रीजनेबली सेटिस्फाइड. आई हैवन्ट डन द ड्यूरेशन टेस्ट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट दिस इज गोइंग टू पास माई 2 मिनट ड्यूरेशन टेस्ट, एंड इस पे कुछ प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं. दोस्तों मेरा रिस्ट है 7 इंचेस, आप देख सकते हो 42 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली केस डायमीटर वाले ये ऑटोमेटिक स्केलेटन वॉच मेरे रिस्ट पे किस प्रकार बैठ रहा है. मैं रिस्ट रोल करके इसका जो ब्रेसलेट है, डिजाइनर ब्रेसलेट, इसका भी रिस्ट प्रेजेंस आपको दिखाना चाहूंगा. एंड डेफिनेटली नीडलेस टू से दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर इन एनी सोशल गैदरिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वॉच? इज इट वेयरेबल? क्या आप इसको खरीद के पहनना चाहोगे, और विल यू बी अवॉइडिंग दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट. Talking about the price of the watch, ये मैंने कुछ 3600 रुपीस में खरीदा था Flipkart से with some existing bank offer. Usually ये 3500 से 4000 रुपए तक का price point में e-commerce website में available होता है. इसका brand है Port Signing, which is of course a Chinese brand, and it is completely manufactured in China. इसका movement भी Chinese है, PTS मैं पहले ही बता चुका हूँ. There are certain pros that you should be aware of. सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगा, इसका anti-glare coating on the glass. I'm very very satisfied. एंड इसका जो केस में डिजाइन जो दिया गया है, ब्रेसलेट में जो डिजाइन दिया गया है, दैट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट दिस इज मेड एज अ पार्टी एक्सेसरी. टाइम लैंग्वेज और इसका जो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग इज समथिंग दैट आई हैव लाइक्ड. एंड इस पे और एक चीज जो मुझे अच्छा लगा, ये जो सन मून सब डायल दिया गया है टू टेल यू वेदर इट इज डे और नाइट, दैट इज ऑल्सो समथिंग नाइस, आई लाइक्ड इट. एंड सेपरेटली जो सेकेंड हैंड का सब डायल दिया गया है, ये देखने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो दैट बिकम्स अ कॉन में भी. और इसका जो केस है, ये बना है स्टील अलॉय से, दिस इज नॉट स्टेनलेस स्टील. ब्रेसलेट इज कम्प्लीटली सॉलिड लिंक स्टेनलेस स्टील, विच इज एन एक्सेलेंट थिंग. और इस पे जो बटरफ्लाई क्लास्प दिया गया है विथ 2 पुशर, दिस इज अमेजिंग. ये बटरफ्लाई क्लास्प इटसेल्फ अराउंड 700 to 800 रुपीज का आता है. दोस्तों आपको एक 3500 का वॉच में इस क्वालिटी का ऑल स्टेनलेस स्टील सॉलिड लिंक ब्रेसलेट मिल रहा है विथ बटरफ्लाई क्लास्प विथ पुश बटन एंड लॉक कवर जो है ये भी सॉलिड स्टेनलेस स्टील का है, इट्स नॉट लाइक अ स्टेनलेस स्टील प्लेट. तो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टी एक्सेसरी ऑटोमेटिक वॉच विच शुड बी अ बिट जैजी, विच शुड बी अ बिट लाउड बिकॉज यू वॉन्ट टू अपीयर लाउड इन एनी पार्टी, वॉन्ट टू ग्रैब अटेंशन, वॉन्ट टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, एंड यू आर रियली लुकिंग फॉर अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर वॉच, देन दिस कैन बी अ गुड वॉच. इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, I am happy because it is still being available under 4000 rupees. It's an automatic watch. So, of course, this is a good option to consider. आपको क्या लगता है? आप definitely comment box में मुझे बताना. So much for watching this video till the very end. उम्मीद करता हूँ मेरा transparent opinion about this हटके party accessories automatic watch आपको पसंद आया होगा. पसंद अगर आया तो क्या करना है दोस्तों? आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि इस चैनल को थोड़ा मदद मिल जाए. चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब एंड हेल्प द चैनल टू ग्रो. बहुत जल्द मुलाकात होंगे ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों.